हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। हमारा टॉपिक चल रहा है साइकोलॉजी का। ये हमारा 7 का वीडियो है, तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं और इसी के साथ इनसे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो हमने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित सर्वप्रथम हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे थे, तो आज के वीडियो में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ देखेंगे जो कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित हैं। क्वेश्चन है कि एक निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक कैसे होगा। यानी एक अध्यापक कैसे अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा और गुण का निर्धारण बहुत सीमा तक कैसे होगा। तो कैसे होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए का, जिसमें ए ऑप्शन में है ए और थ्री, यानी कक्ष का अनुशासन द्वारा, और दूसरा है छात्र की अंतर्क्रिया द्वारा। कक्षा में अनुशासन होगा तो अधिगम प्रभावित होता है, तभी तो आगे बढ़ेगा, और छात्र की अंतर्क्रिया यानी छात्र स्वयं क्रिया करेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान की विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। तो इसका आंसर है व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निर्देशन दिया जाना चाहिए, कब तक दिया जाना चाहिए, कि कोई समस्या हो तब, ऐसा नहीं है, या आजीवन देना चाहिए निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने वस्तुनिष्ठ व तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात कही है। तो वो किसने कही है, संज्ञानवाद ने। वस्तुनिष्ठ व तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात किसने कही, संज्ञानवाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्ञान विद्वान है, विश्वनिष्ठता है तथा उसे प्राप्त करना ही अधिगम है, कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय इस कथन को अस्वीकार करता है। तो संरचनावाद इसको अस्वीकार करता है। कौन कौन स्वीकार कर रहे हैं, संज्ञानवाद, व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद, कि ज्ञान विद्यमान है, विश्वनिष्ठता है तथा इसे प्राप्त करना ही अधिगम है। तो ये कहते हैं व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद और संज्ञानवाद, और जो ऑप्शन राइट यहाँ होगा संरचनावाद, इसको अस्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है। तो समस्या समाधान अधिगम शिक्षा का उच्चतम स्तर है। किसी समस्या का समाधान होगा तभी तो किसी समस्या को हल कर पाएंगे, तो समस्या समाधान अधिगम सबसे उच्च स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। तो ये कथन किसका है, स्किनर महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में किशोर अपनी क्षमता को विकसित करने हेतु करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी का, निगमन तार्किकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः विद्यालय इन्हें उपलब्ध कराता है, क्या उपलब्ध कराता है विद्यालय इनको, उपयोगी अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। तो शिक्षार्थी आता है, सीखने की प्रक्रिया आती है, सीखने की परिस्थिति भी आती है, और निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य भी आता है शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। तो कैसे मदद करता है एक शिक्षक को शैक्षिक मनोविज्ञान, तो स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में, बच्चों के चरित्र विकास में और उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है। तो सामाजिक विकास प्रभावित होता है, मानसिक विकास प्रभावित होता है, संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होता है, जो नहीं होता है वो शारीरिक विकास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया गया है? तो हमारा मूल क्या है? सकीन हमारी, तो यहाँ पर होगा सकीनर। तो मौलिक से ध्यान रख लीजिए, सकीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो शिक्षण अंतर प्रक्रिया है, ये राइट है। शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि है, यहाँ पर ये नहीं होगा। तो राइट आंसर बी का है कि शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही है वो देखेंगे, शिक्षण सोदेश्य पूर्ण गतिविधि है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक गतिविधि है। तो यहाँ पर आंसर होगा बी का, शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ये राइट है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है। और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, यानी कि शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, तो शिक्षण अनुदेशन है, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कक्षा में परस्पर संवाद में क्या उभर कर सामने आना चाहिए? तो विचार, सभी बच्चों के विचार सामने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है विद्यालय उपलब्धि? तो स्वयं प्रत्यय पर, बुद्धि पर, उसकी रुचि पर, और वो किस प्रकार से अभिप्रेरित है, अभिप्रेरणा पर। तो राइट आंसर होगा ए का। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? न तो तीव्र होना चाहिए, न सरल होना चाहिए, और न ही एक तरफा होना चाहिए, ये संवाद मूलक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होता है, आज के समय में आप जानते हैं छात्र केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान है, यह एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो अधिगमकर्ता से संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है, और अधिगम स्थिति से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक कक्षा कक्ष में क्या प्रयास करता है? तो विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का प्रयास करता है, और विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का प्रयास करता है एक कक्षा कक्ष में शिक्षक। व्यवहारवाद के प्रतिपादक वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसने दी? स्किनर ने, कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, ये किसने कहा? बी एफ स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक चलता है, अनुभवों का वर्णन व्याख्या करता है, ये कथन किसका है? क्रो क्रो का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान कैसे उपयोगी है? तो स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए आवश्यक है ये, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। तो यहाँ पर दोनों ही राइट आंसर होंगे, तो सी का ऑप्शन राइट है यहाँ। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी होता है। तो स्वयं के ज्ञान व तैयारी में होता है। सेकंड है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है, बाल बाल विकास का ज्ञान देता है, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान देता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक को बालकों की मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान देता है और बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में हेल्प करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासन में सहायता देता है एक शिक्षक को, उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहयोगी है, मूल्यांकन नवीन विधियों का प्रयोग करने में सहयोगी है, बालकों की आवश्यकताओं का ज्ञान और बाल स्वभाव व व्यवहार का ज्ञान देता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक को अध्यापकों को शिक्षा संबंधी सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है और व्यावसायिक मार्गदर्शन में अध्यापक की सहायता करता है। तो यहाँ पर हमने देखे शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए कैसे उपयोगी है, तो इन सभी को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए।
तो उसको न तो डांटना चाहिए, न ही उसकी आलोचना करनी चाहिए, न ही उसको कोई जुर्माना लगाना चाहिए। उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई आप टाइम पर आएंगे तो आपके लिए सही रहेगा, यानी उसको प्रोत्साहित कीजिए। नेक्स्ट है, किशोर शिक्षा में कौन सा उपागम सबसे उचित है? तो कौन सा है? जीवन कौशल शिक्षा। तो राइट आंसर बी का। मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहें वैसा बना सकता हूँ। कथन किसका है? वाटसन का। ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। क्या कह रहा है? कि शिक्षण जो है क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। तो ये किसने कहा? बी एफ स्मिथ ने। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए यहाँ पर।